हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक से है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर की में टॉपिक्स है पॉलिनेशन यानी परागण। अब परागण क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ाना है, तो इसमें आपको सबसे पहले परागण की डिफिनेशन क्या है, पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन है जब कोई पुष्प के परागकण उस पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसे हम पर परागण परागण क्रिया कहते हैं। यानी किसी पुष्प के परागकण उस पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसी को परागण क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है परागण कितने प्रकार से होता है। जैसे कि टेबल मैंने बनाई है, परागण टू टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप में होता है स्वपरागण जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और पर परागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो फर्स्ट में आते हैं कि हमारा क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन होती है जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो उस क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कनकौवा, पीली कटेली, खट्टी बूटी इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट आता है पर परागण या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पर परागण वही क्रिया है जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को हम पर परागण या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी या कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में डिवाइड करते हैं। फोर टाइप्स होता है, वायु परागण यानी एयर पॉलिनेशन, जन परागण यानी एनिमल पॉलिनेशन, जल परागण यानी वाटर पॉलिनेशन, और कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। जैसे कि हम फर्स्ट आते हैं एयर वायु एयर पॉलिनेशन क्या होते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण हवा की उपस्थिति में उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम वायु परागण कहते हैं, क्योंकि ये वायु द्वारा होती है। फॉर द एग्जाम्पल मक्का, चीड़ और रूमेक्स इसके पौधे एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट आते हैं जंतु परागण क्या है। जंतु परागण यानी ये इस प्रकार का परागण होता है जो प्रायः जंतुओं के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत किसी जंतु या किसी अन्य जंतु के माध्यम से परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प में के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, उसे जंतु परागण कहते हैं। इसके निम्नलिखित फॉलोइंग पॉइंट होते हैं। पहला कीट परागण, ये इस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कीटों से होने वाले परागण को हम कीट परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सालविनिया, सालविया है, मटर है, अंजीर है। पक्षी पक्षियों से होने वाले परागण को हम पक्षी परागण या सेमर स्पेलिटेजिया कहते हैं। जबकि घोंघा के परागण क्या है, ये जल में पाए जाने वाला प्राणी होता है जलस्थली, इसलिए इसमें परागण होता है, उसे जिमीकंद और सर्प पादप भी कहते हैं। इसके चमगादड़ यानी बैट्स पॉलिनेशन होता है जो प्रायः है कचनार और कदम्ब प्लांट्स होते हैं। गिलहरी यानी स्क्वायरल पॉलिनेशन सूट प्लांट्स में होता है, और हाथी द्वारा एक चंभा है कि हाथी से होने वाले परागण को हम रिफ्लेशिया में होता है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है जिसका वेट 11 से 15 केजी होता है। ये समुद्र के लाल या प्रशांत महासागर में पाया जाता है और हाथी द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर पॉल्यूशन, यानी ये ऐसा परागण क्रिया होती जो जल में पाए जाने वाले जलीय पौधों में होने वाली परागण क्रिया को हम जल परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिस्टिया है, वेरिशनेरिया, सेरिटोफिलम, हाइड्रा, इकॉर्निया है, ट्रोपा है, सिंघाड़ा है, नाड़ी आदि पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कृत्रिम परागण क्या है, आर्टिफिशियल। ये इस प्रकार का परागण होता है जिसमें मनुष्य अपनी स्वेच्छानुसार एक पुष्प के पुंकेसर को दूसरे पौधे उसी जात के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचाते हैं। इस क्रिया को हम कृत्रिम परागण या कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ओके, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सुनिएगा, ठीक, लाइक कीजिए। जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट जिससे वीडियो में आपको फिर भेज सकूं। ओके, थैंक्स।